ओके रूपर, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर एचआर फॉर डीआरडीओ। आप एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके सर, सर एज यू नो माय नेम इज नूपुर सोनी। बेसिकली आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। फ्रॉम देयर ओनली आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सीओडी। आफ्टर दैट आई डिड माय बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम तक्षशिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। सर ड्यूरिंग दीज ईयर्स फ्रॉम 2013 टू टिल नाउ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड आई हैव क्वालिफाइड इट 10 times एंड ऑल्सो 1 time UGC नेट ऑल्सो। एंड सिंस लास्ट 5 months आई एम वर्किंग इन CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट। सर दिस इज ऑल अबाउट मी। Rupert, when did you graduate? सर 2013। Oh, that is a long back. यस सर। तो इतने साल से क्या कर रही थी आप, 10 साल से? सर एक्चुअली मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी और कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उन्हें भी ओवरकम किया सर, तो सारी चीजें चल रही थी और स्टडी भी कंटिन्यू करी, अपनी जॉब भी कंटिन्यू किया सर और तो प्रिपरेशन भी आपने दस चलती साल रही। 10 साल में आपने ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स किया है क्या? हाँ जी सर, यस सर, मास्टर्स आपने किया है मास्टर्स कर लिया है, कब किया आपने? सर, रिसेंटली 2022 ओके, सो किस स्पेशलाइजेशन में किया है आपने मास्टर्स? कम्युनिकेशन सिस्टम। आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं नुपुर। यस सर। सर मैंने अपने रिसर्च वर्क में RFID बेस्ड लोकलाइजेशन एंड ट्रैकिंग मॉडल डिजाइन इस पे काम किया है और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है सर। तो हमने सर एक्चुअली मैंने और मेरी गाइड ने इन उन्होंने मुझे हेल्प किया है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में RFID की बेसिस से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और उनके पाथ को ट्रैक करना सर, ये मैंने रिसर्च वर्क में किया है अपने। अच्छा, अब ये बताइए, अगर आपको DRDO में अपॉर्चुनिटी मिलता है यस काम सर। करने का, तो आप अपने इस नॉलेज को कैसे यूज कर सकती हैं DRDO में, अपने जो मास्टर्स का नॉलेज है आपका? यस सर। सर मैंने जो रिसर्च वर्क में काम किया है मैं इसी नॉलेज को नेविगेशन में यूज कर सकती हूँ कैसे? अब सर मैंने सबसे पहले अपने जो रिसर्च वर्क में काम किया है मैंने सबसे पहले ये देखा है कि हम किस सेंसर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिग्नल कैसे ट्रेवल हो रहा है, पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रैक कैसे प्लॉट कर सकते हैं, किस एल्गोरिथम से प्लॉट कर सकते हैं। और सर दिस प्रोसीजर डेफिनेटली विल हेल्प मी टू वर्क इन DRDO सर। आप नूपुर DRDO की लैब्स जानती हैं, कितनी लैब्स हैं हमारी? सर अराउंड अप्रोक्स 52 labs हैं सर, 52, मोर इन देन लैब्स फिफ्टी में टू आप कौन सी लैब्स में इंटरेस्टेड होंगी काम करने के लिए? सर। एक्चुअली RCI लैब है, रिसर्च सेंटर इमारत विच इज इन हैदराबाद। यहाँ पे नेविगेशन पे काम होता है सर, यहाँ पे भी मैं काम कर सकती हूँ। और DRDL है, ये DRDL आई थिंक सर दिस इज ऑल्सो इन हैदराबाद बट नॉट श्योर इट्स लोकेशन सर। यहाँ पे भी काम कर सकती हूँ, यहाँ पे भी एवियोनिक्स पे काम होता है। और वन मोर लैब इज इन बैंगलोर ओनली, यहाँ पे ही है कैब्स सर, सेंटर फॉर एयरबोन सिस्टम, तो यहाँ पे भी मैं काम कर सकती हूँ सर। अच्छा, DRDO के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं आप, मिसाइल्स यस के सर, बारे में? यस सर। सर जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, वैसे DRDO ने काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अग्नि सीरीज है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। सर अग्नि 5 इज द आई थिंक लेटेस्ट वर्जन सर, ये इंटर कॉन्टिनेंटल के लिए बनाई गई है। सिमिलरली पृथ्वी 1 ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए है, जिसकी रेंज अराउंड 1000 किलोमीटर तक है। देन पृथ्वी 2 दिस इज फॉर एयरफोर्स, जिसकी रेंज थोड़ा सा बढ़ करके 1500 किलोमीटर हो जाती है। देन पृथ्वी 3 दिस इज ऑल्सो ये हमारे इंडियन नेवी के लिए है, ये अराउंड 2000 किलोमीटर, अप्रोक्स 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज जाती है सर।
अच्छा आप मेरे को नूपुर ये बताइए, आप डीआरडी में आना क्यों चाहती हैं? सर एक्चुअली मैंने इतने साल दिए हैं सर, मैंने डीआरडीओ और इसरो के लिए ही दिए हैं। मैंने सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाती सर, मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिली, कोई भी कुछ भी सर जो किया खुद से ही किया, किसी ने बोला गेट दे दो, गेट के थ्रू डीआरडीओ में जा सकते हैं, हर साल गेट दिया सर। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि मैं कोई भी कोचिंग प्रेफर कर सकूं, इसलिए मैंने सर खुद ही तैयारी की, खुद ही पिछले 10 साल से गेट क्लियर कर रही हूँ, हर साल मेरा गेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। पहले जब दिया था सर तब 24,000 में रैंक थी, अभी मेरी 1,600 में रैंक है सर, तो मैंने इम्प्रूव किया है सर, मैंने गिव अप नहीं किया अपने सरकमस्टेंसेस से। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट क्यों है डीआरडीओ में, वो मेरा न्यूपर क्वेश्चन आपसे है। यस सर, सर एक्चुअली मुझे डिफेंस में जाना था सर, आई वांट टू बी अ सोल्जर, बट मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल इसमें दिए 2013 एंड 14 में, बट रिटर्न निकल जाता था, एसएसबी नहीं निकल पाता था सर। देन आफ्टर दैट मुझे कंट्रीब्यूट तो करना ही था सर नेशन के लिए, इसलिए मैंने ये अपनी प्रोसीजर कंटिन्यू रखी, मैंने गेट एवरी ईयर दिया, इस होप में दिया ताकि वन डे आई कैन बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डीआरडीओ सर, क्योंकि डीआरडीओ का जो कट ऑफ जाता है हमेशा गेट के लिए बहुत हाई जाता है हर बार, इसलिए मैंने हर साल दिया सर गेट। ओके, लेट मी गिव यू फीडबैक नुपुर। नुपुर देखिए, आपका जो गैप है ना, वो सबसे बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है आपके लिए। यस लेकिन सर, आप वहाँ पे ईयर मेंशन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं प्रेजेंटली तैयारी कर रही हूँ डीआरडीओ के लिए। मतलब ओके प्रेजेंटली सर, तैयारी कर रही हूँ कि मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली डीआरडीओ या इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकूँ। क्यों इंटरेस्टेड यस सर, डीआरडीओ में? तो आप बोल रहे सर डीआरडीओ प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के साथ डील करता है, और जो मेरे यस रोल सर, मॉडल आइडियल हैं वो डॉक्टर कलाम हैं, जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने इसरो और डीआरडीओ में जॉब भी किया है। तो उन्हीं से इंटरेस्ट होके मैं इसकी डीआरडीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ। और उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, तो यस सर, वो आप थोड़ा सा उसको भी देखना क्या है, तो उस डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। अगर आप डीआरडीओ इसरो दोनों की बात कर रहे हैं तो दैट कैन बी द कॉमन पॉइंट, राइट? और यस गैप सर, तो लग गया बोलना सर, मेरे कुछ अपने इश्यूज रहे हैं और मैं कभी भी मैं वो नहीं कर पाई, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाई, तो सेल्फ स्टडी ही नॉर्मली मैं करती रही। और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मैंने चेक इंडिया वगैरह में फ्रीलैंसिंग किया है, मैंने यस क्वेश्चन सर, सॉल्व किए हैं और मैं कंटिन्यूसली तैयारी कर रही हूँ। और आई एम हैप्पी कि मैं उस पोजिशन पे आई हूँ कि आज यहाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ऐसे यस कॉन्फिडेंस सर, बोलना, आपका कॉन्फिडेंस ही और आपकी अगली जो टेक्निकल तैयारी है वो आपको सेलेक्ट करवा सकती है। आपका गैप यस सर, ही आपका कॉन्फिडेंस ही कोप अप करेगा, राइट? यस सर।